चोरी की आदत और फितरत नीतीश जी ने छोड़ी नहीं, और जनादेश का पार करने का फितरत उन्होंने छोड़ा नहीं। 2015 में किसके साथ चुनाव मिलकर के लड़े? लालू जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको बनाया उन्हीं को पकड़ी। नरेंद्र मोदी जी का पत्थर किसका खींचा था? एनडीए को क्यों छोड़े थे नीतीश जी? हम लोग के साथ क्यों आए? मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगाना है। अब हमको सही सही, हम ज्यादा बेकार की बात नहीं करते, हम काम की बात करते। कुछ लोग तो दिन रात कामें करते रहते हैं कि कुर्सी कैसे बचा रहा है ना। तीसरा नंबर का पार्टी, जुगाड़ पार्टी, हम लोगों का वो काम नहीं। हम लोगों का काम है कि यहां जितने व्यक्ति यहां उपस्थित है, जनता की आवाज को मजबूत कैसे करें, आपकी आवाज को हम बुलंद कैसे करें, आपके परेशानियों को हम दूर कैसे करें, हम इसलिए यहां हैं। अब आप बताइए, यहां 15 साल से विधायक किसका है, कौन से पार्टी का है? एमपी कौन से किसका है? एनडीए का विधायक, एनडीए का एमपी। बिहार सरकार किसका है? एनडीए का। केंद्र सरकार किसका है? एनडीए। अब आप ये बताइए, बेरोजगारी घटी या बढ़ी? बढ़ी। महंगाई बढ़ी या घटी? बढ़ी। अपराध बढ़ा या घटा? बढ़ा। घूसखोरी थाना प्लस में बढ़ा या घटा? बढ़ा। शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दोषी कौन? एनडीए। कौन है दोषी? एनडीए। और आजकल होता क्या है कि सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। अब कल यहां भाई चोर दरवाजे वाले मुख्यमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे कि भाई हम तो काम करते रहते हैं, हम बेकार की बात करते नहीं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अरे भाई कुछ पहले कुछ था, जरा याद दिला दीजिएगा कि ब्लॉक लालू जी ने बनवाया था। जितना हाई स्कूल बोलिए कि महंगाई नहीं था, थाना ब्लॉक में घूसखोरी नहीं था, अफसरशाही नहीं था, जनता का सुनवाई था, थोड़ा याद दिलाइएगा। बोलिएगा नौजवान इतने बेकार नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, पहले पलायन इतना नहीं था। अरे भाई क्या काम किया पैसा? पिछला चुनाव में हमने क्या कहा था यार? देखिए अब जात पात वाला बात अब छोड़िए, पुराना हो गया, लेकिन जो सही बात है वो हम करने आए। आप लोगों ने सब स्वीकार किया कि भाई सहारापुर से लेके बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार से लेके सांसद ऊपर से नीचे सब एनडीए का, लेकिन बेकारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अपराध है, अफसरशाही है। हमने पिछले चुनाव में ये कहा था कि बिहार की जनता अगर हमको मुख्यमंत्री बनाती है तो अगर मेरा पहला कदम चलेगा, पहले कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। हमने ये कहा, हमने ये भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आपको देने का काम करें। आप लोगों को पता नहीं, नीतीश जी के शासन काल में 70 से भी ज्यादा घोटाला हो गया। अब हम भी बताएंगे, हमको बताना कि आप लोग सब जानते। मान लीजिए कि बड़ा काम कर रहे नीतीश जी, 7 निश्चय योजना है भाई, 7 निश्चय योजना का एक योजना हम चुनते हैं, वो योजना क्या है?
हर घर नल से जल। अब बताइए वो सक्सेस है कितना साल से हो रहा है, खाली नोट हो रहा है हो रहा है, कार्रवाई किसी पे हो रही है, सजा किसी को मिल रहा है, दो साल से कम की दोषी क्यों, दोषी कौन हो रहा है? अब आप बताइए नीतीश जी कहते हैं कि हमने जो है शराब बंदी की है, देखो हमने तो शराब बंद कर दिया। अब अगर ईमानदारी से अगर हम बोले आपकी बात तो होम डिलीवरी हो रहा है, 200 रुपए का बोतल जो है वो 1000 रुपए पर पास होता है, अब देखे हम कुछ नहीं कहेंगे। सरकारी कर्मचारी लोग हैं यहाँ पर, सरकारी कर्मचारी सिपाही भी लोग होंगे, सब लोग होंगे, इन लोगों के लिए ऑर्डर निकालने की 50 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। अब बताओ क्या क्या नियम, एक तो नौकरी नहीं दे रहे हो, आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे रहे हो, और जो पहले से है उसका भगाने में लगे, महंगाई तो सबके लिए है कि नहीं, क्या खाते थे लोग, महंगाई दाई खाई जाते है क्या, महंगाई दाइन खाई जाते, मतलब दाइन लोग पहले मोदी जी को नीतीश जी को महंगाई दाइन नजर आती थी, और अब जो है महंगाई महबूबा और भौजाई लौटी, महंगाई से प्यार हो रखा है। अब था जो लड़का किराया में उधार पे मोटरसाइकिल की ना, आपने तो मिले ना जाता एक से एक स्कीम आता भाई है कि नहीं, अब जो मैं मोटरसाइकिल खरीदे आप तो साइकिल पे आ गए, अरे कितना रुपया डीजल हो गया जरा बताइए, कितना रुपया पेट्रोल हो गया, आज तक कितना महंगा हुआ जब से आप पैदा हुए, तो इसका दोषी कौन है? हम जवाब आपके पास, हम तो बस याद दिला रहे, लेकिन कल लोग आएंगे बड़ा बड़ा भांगेंगे। अरे बताओ एक 32 साल 32 साल उम्र हुआ मेरा, 32 साल पूरा बिहार का कैबिनेट का मंत्री का जमावड़ा लगा दिया, पूरा भाजपा आ गए, पूरा प्रशासन लग रहा है, पूरा भारत सरकार लग रहा है, काहे इतना घबरा रहे भाई, बिहार का काम छोड़ करके काहे ना आ रहे, इतना ही काम किया तो आप निश्चित घर पे बैठे होते, क्यों जो लगा रहे, क्यों लगा रहे, क्या किया जा रहा है, क्या है भाई, इसको तोड़ो, दो दूनी चार यही से गिनती हो रहा है, ऊपर चार पे ऊपर इतना पकड़ेगा, एकरा के जोड़ना है जैसे तैसे कैसे बस जोड़ लेना है, और चुनाव खत्म होगा खत्म, विलुप्त हो जाएंगे क्षेत्र से, विलुप्त मतलब समझे एकदम चुटकी बजाते ही गायब, अरे हम तो झूठा वादा नहीं करते, जब हमने बोला था 10 लाख रोजगार देंगे तो अभी भी 5.5 लाख सरकारी नौकरी खाली है, पद खाली है, 5.5 लाख कौन कौन सा डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, डॉक्टर का, नर्स का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, पुलिस बैठने में, आजकल क्या होता है परीक्षा देते हो धांधली होता है, एक परीक्षा लीक हो जाता है, और रिजल्ट आता है जो पास हुआ उसका नहीं क्लियर करता है, उसको नौकरी जो एग्जाम दिया ही नहीं, कानून वाली को पास कर दिया, और अभी वाले परीक्षा में एसटीईटी वाले में एक साउथ की हीरोइन है अनुपमा, उसको तो पता भी नहीं होगा एसटीईटी क्या है, उसको भी पास कर दिया, कौन लोग हैं सब, भारी खेला हो रहा है, पूरा खेला कर रहा है सब, आपका अधिकार छीन रहा है। और आप ये बताइए दूसरी बात हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ विधायक जी थे, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, परिवार के प्रति संवेदना है, कोरोना काल में देहांत हुआ,
ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है ना। अरे उपचुनाव इसलिए हो रहा क्योंकि विधायक जीत का निधन हो गया तो जगह तो भरना है, लेकिन विधायक जी का इलाज नहीं हुआ, अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, विधायक जी को ऑक्सीजन नहीं मिला, विधायक जी फोन करते रह गए, अधिकारी फोन नहीं उठाए। अगर सही समय पर विधायक जी का फोन उठ गया होता, अस्पताल में भर्ती हो गए होते, ऑक्सीजन मिल गया होता, दवा मिल गया होता, उपचार हो गया होता, तो विधायक जी की जान बच सकती। तो भाई नीति आयोग की रिपोर्ट में जो केंद्र सरकार का रिपोर्ट बनता है तो बिहार सबसे अंतिम लास्ट नंबर है स्टेट का, चिकित्सा के मामले में, अस्पताल के मामले में, डॉक्टर के मामले में, इलाज के मामले में। अब आप बताइए जो मुख्यमंत्री जिसी पार्टी के आते उसी के पार्टी का विधायक है जिनको वो शिक्षा मंत्री भी बनाए थे, फिर क्यों हटा ये हमको नहीं पता। ठीक है, जो मुख्यमंत्री अपने विधायक का जान नहीं बचा पाया वो बिहार की जनता या तारापुर की जनता या तेतुआ बंबर की जनता का जान क्या बचा पाए। चुनाव इसलिए हो रहा, चुनाव हो सकता था अगर सही बिहार में अस्पताल होता, इलाज होता, तो शायद ये उपचुनाव नहीं होता। अब हम लोगों ने देखिए प्रत्याशी दिया है अरुण शाह जी को, अब नीतीश कुमार जी आएंगे क्या बोलेंगे, भाषण कराएंगे, समझ चाहिए, वही दिन देखना चाहते हैं। अब एक दो बच्ची को हम जीत देंगे तो तुम अपने ही सरकार पे ना प्रश्न कर ले, सरकार में कौन है, केंद्र एमपी से लेके सब कुछ सब तो तुम्हारे हाथ में। और सही मायने में अगर जनरल राज बोला गया तो आज है, जिस उम्मीदवार को टिकट मिला है उन्होंने अपने एफिडेविट पे, हम नहीं बोले उनका एफिडेविट का बात हम बोले, हम किसी का इंतजाम नहीं लगा सकते, हम तो भाई नियम पैदा वाले आदमी। उन्होंने एफिडेविट पे दिया है कि उन पे 100 से भी ज्यादा मुकदमा है बम बनाने का भी मुकदमा, हमने और हमारे उम्मीदवार पे कितना मुकदमा है भाई बताइए, एक भी नहीं। तो हम कैसे कैसे भाई क्यों आकर के किसके नाम पे डरवा रहे, डन जान बुझ के एक साइकोलॉजिकल खेलते हैं आप लोग के मानसिकता के साथ, डराया जाता है। बताइए कितना साल तो नीतीश जी लालू जी का चेहरा ही ना बन के रहे थे, जिस रात से वो बताते उसके तो वो भी थे जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, कितने लोग थे मंत्री थे ये बताने की जरूरत है, खाली बेकार की बात है। अभी सीएजी का रिपोर्ट आया, सीएजी के रिपोर्ट में बोला गया कि बिहार सरकार के खजाने से 2,00,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन खर्च का हिस्सा भी नहीं पता। आप समझ रहे हैं कि 2,00,000 करोड़ रुपया किसका पैसा था, ये आप सबका पैसा था, आप पे खर्च होना था, नीतीश जी 2,00,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे। जरा आएंगे तो जरा पूछिए 2,00,000 करोड़, बोले यार सीएजी रिपोर्ट, बोले यार नीति आयोग का रिपोर्ट, बिहार सबसे राज क्यों है। इतना ही बढ़िया मुख्यमंत्री आप हैं तो हमारा बिहार पूरे देश में सबसे लास्ट में क्यों है, इसके जवाब हम नहीं कहना चाहते। लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें, हमको आपकी भी चिंता है और आपके आने वाली पीढ़ी की भी चिंता है, लेकिन अगर इन बेईमानों के हाथ में अगर शासन जाएगा तो जो 15 साल से भी ज्यादा मुख्यमंत्री रहा, जिसका एमपी एमएलए से लेकर भारत सरकार डबल इंजन की बात करने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर वो लोग तब भी 15 साल में कुछ नहीं करता तो आगे 5 साल में मौका दीजिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, बात समझ लीजिए। अरे बात जब हम कह रहे हैं तो हर समाज के लोगों को बोल रहे हैं, हर लोगों को बोल रहे, हर एक व्यक्ति को बोल रहे हैं। और चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं किसी को हम अपमानित नहीं होने देंगे, दर्दे नहीं देंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे, सम्मान की रक्षा करेंगे। बातें, अरे भाई
नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ते विकास के नाम से आप लोग वोट दीजिए। बचिए नमक, लोग आएगा कान फूकेगा, लोग तो आएगा भी तो सिर्फ बांटता ही नहीं रहता चलता रहेगा। कोई चॉकलेट है या थम्सअप है कुछ कम नहीं चाहिए है कि नहीं, लेकिन हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे चुपचाप आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, एक एक नजर रखे होंगे फटकार अध्यक्ष एक दिन पहले जान मुझसे चला गया फटकार झूठ बोल रहा है ना बोलेगा भाई। अब हम क्या बोले, तीसरा नंबर के पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो गया देश में कहीं देखे हैं कभी इधर कभी उधर, तब हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई इन्होंने तो भाजपा को भी धोखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाली खींचे हमको धोखा दिया सबको, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग सब लोग होशियार हैं, लेकिन एक डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला ना बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला। जब लालू जी जयप्रकाश जी केंद्र में मंत्री थे, यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, वहां लालू जी रेल मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी से कहलवा करके बिहार को 1,54,000 करोड़ का पैकेज दिलवाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र बीजेपी की सरकार है, रेलवे बिक गया, सेल बिक गया, देश की संपत्ति बिक रही है, LIC बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, जो पत्थर चुकल है वो लाइन में है। तो भाई समझ जाइए गरीब का पार्टी नहीं है, गरीब का नेता नहीं है, गरीब का अगर कोई पार्टी है, गरीब का बल राष्ट्रीय जनता दल, मजदूर का बल राष्ट्रीय जनता दल, किसान का बल राष्ट्रीय जनता दल, नौजवानों का बल राष्ट्रीय जनता दल, और गरीब का कोई नेता है प्रचार प्रसार द्वारा। इसलिए आज कई अलग अलग दलों से हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। TNC